Hello, assalamu alaikum, and welcome to another online session. Today we will be discussing more about electricity, and now we will be starting our lectures with magnetism, and we will be focusing different topics, different related topics of electricity. Previously we have discussed of electric charges and the production of electric charges and the related theory about the electricities. Okay ji, aaj hum chote chote topics discuss karenge aur isme hum aaj koshish karenge ki related topics jo hai electricity ke aur electromagnetism jo hai, yes, another thing jo ki aaj hum discuss karenge और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके जो एप्लीकेशन हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. मैग्नेटिक फील्ड्स, जी जनाब, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जी? मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ा, ठीक है, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को भी हम डिस्कस करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि वी हैव मैग्नेट ऑफ डिफरेंट पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है. तो उसमें से भी हमारे पास जो है वो अट्रैक्शन का फिनोमेना या रिपल्शन का फिनोमेना होता है, ठीक है. तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्प्रेड आउट फ्रॉम वन पोल, कर्व अराउंड द मैग्नेट एंड रिटर्न टू द अनदर पोल. इसमें हमेशा नॉर्थ पोल से आपकी जो है ना वो लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे आके एंड होती हैं. द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द टू पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट, ठीक है. यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है. व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू और मोर मैग्नेट्स ओवरलैप, द रिजल्ट इज अ कंबाइंड फील्ड, ठीक है. जब जब अनलाइक जो है पोल्स आएंगे एक दूसरे के पास तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अनलाइक जो लाइक पोल्स होंगे वो रिपेल करेंगे, ठीक है. तो ये वही सिंपल इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला फिनोमेना इसमें भी लगेगा, ठीक है. इन अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब भी हमारे पास एक अनमैग्नेटाइज्ड आयरन होता है, ठीक है, तो आपको क्या होता है कि इनके जो मैग्नेटिक डोमेन्स वो अलाइंड नहीं हुए होते, ठीक है. और दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि इसमें जो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री, वो एक अलाइन होते हैं, फॉर्मेशन में आ जाते हैं. तब वो क्या होता है, वो क्या करते हैं कि अब जिस तरह ये है, जिस तरह ये देखेंगे हैपहैजर्डली मूव कर रहे हैं, ठीक है. इसके अंदर ये एरो जो है वो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. जब आपने उसको मैग्नेटाइज का मतलब क्या है, मैग्नेटाइज का मतलब ये होता है कि आप उसको उनके इलेक्ट्रॉन्स को अलाइन कर देते हैं, एक एक डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है. तो जिस तरह ये है मेरे पास, अब ये जो है देखें इस जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं और यहाँ इस जगह से निकल रहे हैं, तो दैट मीन्स इस जगह पे नॉर्थ पोल होगा और इस जगह पे साउथ पोल होगा, ठीक है. तो ये अपने आप को इस तरह अलाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेकिंग एंड चेंजिंग मैग्नेट्स, ईच पीस ऑफ अ मैग्नेट रिटेन्स इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आफ्टर इट इज कट इन हाफ, ठीक है. अब देखें जिस तरह ये है हमारे पास, यहाँ से निकल रही है फील्ड, यहाँ पहुंच रही है, ये इसके अंदर जो है वो अलाइन हुए हैं, ठीक है. अब वो कहता है कि जब आप उसको तोड़ेंगे ना तो अपने आप की मैग्नेटिक अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करने के लिए वो साउथ पोल डेवलप कर लेता है. जैसे कि ये है मेरे पास, अब तोड़ा तो आपने नहीं है ना, और साउथ, अब यहाँ पे ये साउथ बन जाएगा ऑटोमेटिकली और ये नॉर्थ बन जाएगा, ताकि अट्रैक्शन जो है वो कंसिडर होते रहे, ठीक है. इस मजीद तोड़ेंगे तो फिर बेसिकली क्या होगा, जितने ज्यादा तोड़ते जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ अनलाइक पोल्स बनाते जाएंगे टू रिटेन दिस कंसेप्ट, ठीक है. ओके जी, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड इज अ वेट सेल, ठीक है. ये आप लोगों ने पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़े होंगे एफएससी में. इसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, और उसके अंदर आप उसमें क्या करते हैं, कोई जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली उसके अंदर डाल देते हैं. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेसिकली? इलेक्ट्रोलाइट ये होता है कि ऐसा लिक्विड जिसमें टेंडेंसी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस बन जाते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ, ठीक है. तो ये फिनोमेना जो होता है ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, ठीक है. तो इसमें हमने क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो इसमें H2SO4 जो होता है वो इसका इसका केमिकल कंपोजिशन है,
तो एच प्लस और एसओ फोर नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन आयंस जो है बेसिकली वो जनरेट होंगे और वो मूव करेंगे और वो करंट का फ्लो होगा। ठीक है, लेड मेटल ये नेगेटिव हो जाएगा और ये लेड ऑक्साइड जो है, ये जो इलेक्ट्रोड आप बनाते हैं वो लेड ऑक्साइड का हो जाएगा, तो वो एक जगह दूसरी जगह जो है वो सॉरी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि एक तो है वेट सेल, एक है ड्राई सेल। ड्राई सेल में क्या होता है हमारे पास, ड्राई सेल में हमारे पास एक कॉमन इलेक्ट्रोड होता है सेंटर में, ठीक है, और आसपास जो होता है वो एक पाउडर की फॉर्मेशन में, ठीक है, एक पाउडर कह लें या पेस्ट कह लें उसकी फॉर्मेशन में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इसमें कर डालते हैं, जो कि एक तरह का वो क्या करता है, पैसेज अलाउ करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना, इसको ऊपर जो होगा पॉजिटिव होगा, नीचे जो होगा नेगेटिव होगा, तो इस तरीके से उसको कहते हैं ट्रायल सेल, जो घर में भी आप लोग यूज करते हैं। सिंपल सिंपल जल फिनोमेनाज है, ये आप लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, जो ओवरव्यू कर रहे हैं इन चीज़ों को ताकि चीज़ें जो है ना वो नज़र से गुजर जाए। तरफ फीचर्स ऑफ अ सर्किट क्या है जी, सिंपल सिंबल्स आर यूज टू डायग्राम अ सर्किट। आप उन्होंने कहा कि भाई आपने एक सिंपल सा सर्किट बनाना है, आप कैसे बनाएंगे, एक आपने एनर्जी सोर्स ले लिया, बैटरी सोर्स इज एनर्जी सोर्स दैट मेक्स ऑब्वियसली, इसमें आपने चार्जेस को फ्लो कराना है तो वो चार्जेस जो होंगे वो इधर से कनेक्टर से पास कराएगा। और स्विच क्या इज यूज टू ओपन क्लोज ऑब्वियसली, ठीक है, अब ये जो है ना जिस तरह आपने ये बनाया है तो आप सिंबल्स इसमें यूज करेंगे, रेजिस्टर एनर्जी सोर्स स्विच वायर सॉरी। ठीक है, तो ये इसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास आउट करेंगे और ये हमारे पास एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। ब्रेकिंग ऑफ अ सर्किट क्या होता है जी, आप फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स बेसिकली आप लोगों ने घर में देखे होंगे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सर्किट्स फ्रॉम ओवरहीटिंग डिवाइसेस कॉल्ड फ्यूज सर्किट ब्रेकर्स आर एडेड टू द सर्किट्स, अ लो करंट ट्रेवल्स थ्रू द थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल टू कंप्लीट अ सर्किट। ठीक है, इफ टू मच करंट देन दिस स्ट्रिप ऑफ मेटल इट विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। ठीक है, जिस तरह फ्यूज में होता है ना, फ्यूज में बहुत थिन एक मेटल की वायर लगी हुई होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर लो करंट पास करता रहेगा तो वो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ज्यादा करंट पास करेगा तो वो ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, बाकी जो वो सर्किट ब्रेकर का होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो एक चार्ज होता है, वो जैसे ही ज्यादा करंट आएगा तो वो स्ट्रिप जो होती है वो मूव अवे हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म जी जनाब, अब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब कहता है कि ये हमने क्या किया, हमने करंट के कॉइल जो है इसमें से गुजारी, ठीक है, और हमने देखा कि उसके इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ऑब्वियसली व्हेन अ करंट इज प्रेजेंट द कंपास नीडल्स अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन द वायर। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास, अब इसमें से करंट जो है वो पास कर रहा है और उसके इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जनरेट हो रही होंगी। ठीक है, ये क्या होता है, इसका बेसिकली फिनोमेना होता है कि आप थंब को इस डायरेक्शन में जिस करंट है और कर्ल करेंगे, राइट हैंड रूल जो है कर्ल करेंगे, कर्ल जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो ऑटोमेटिकली बना लेगा। ठीक है, आप कैंपस साथ रखेंगे ना तो उस फील्ड के मुताबिक नॉर्थ से इरिजिनेट करेगा और साउथ में एंटर हो जाएगा, तो उस तरह वो कर्ल कर लेगा। व्हेन नो करंट इज पास तो वो सब जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ दिखा रहे हैं, ये पहला वाला जो है। ठीक है, बात जब ये मैग्नेटिक फील्ड, जब इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट जो कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और कंपास उसके मुताबिक उसको अलाइन कर लेंगे। ठीक है, सॉलेनॉइड्स क्या होता है जी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट हैज थ्री डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द फील्ड कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ, हैव इट्स डायरेक्शन रिवर्स और हैव इट्स स्ट्रेंथ चेंज्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो कहता है कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, या तो वो टर्न ऑन हो सकते हैं, ऑफ हो सकते हैं, उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, ये हमारे पास जो है ना फ्रॉम सॉलेनॉइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द पर्पस इज टू जनरेट अ कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही है, आपने क्या करना है, कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, इसके लिए सॉलेनॉइड बनाया जाता है। अब ऐसा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या, ए क्या है, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली जब आप करंट की डायरेक्शन है ना, तो ये है हमारे पास, तो कर्ल करेंगे ना उसी तरीके से जो आपने तरीका बताया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है। जब आपने क्या किया, उसकी डायरेक्शन रिवर्स की, ये नीचे वाली जो है सेकंड रिवर्स की, तो फिर ये इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो, तो कंट्रोल कर रहे हैं आप। ठीक है, लूपिंग द वायर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उसको लूप कर देना है और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी।
ब्रांच्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, वो फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। इसको कहते हैं लूपिंग दबार, इस फिनोमेना को मैं एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, मुख्तलिफ टर्न्स दे देते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में समझे आप, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास है। अब जिस तरह ये है, ये हमने इसमें से क्या किया, एक वायर को टर्न्स दे दिए, मुख्तलिफ इसमें से टर्न दे के तो हमने कर दिया द मैग्नेटिक फील्ड, हमने सोलेनाइड रिजेंबल्स दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। अब ये जब आपने क्या किया, ये सोलेनाइड के आसपास एक बार मैग्नेट का तरह का एक जो है ना फिनोमेना जनरेट हो रहा होता है, यानी कि यहाँ से नॉर्थ होगा यहाँ पे साउथ होगा, ठीक है। फिनोमेना बेसिकली सोलेनाइड का बेसिकली फिनोमेना बता रहा है। अब क्या है जी, इसकी एग्जांपल है कि डोर बेल एज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्न्स ऑन एंड ऑफ, ठीक है। जैसे ये है एक मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें से वायर जो है ना वो आपने इसके इर्द गिर्द जो है ना वो वाइंड बाउंड कर दी हुई है, ठीक है। जब इसमें से करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट से पास करेंगी ना, तो इस मैग्नेट को बेसिकली वो क्या कर देंगी, मैग्नेटाइज कर देंगी, ठीक है। और जो ये नीचे वाला मेरे पास इसका मेटल बार है वो अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ, और अट्रैक्ट जैसे ही होगा तो ये कैलिपर जो है वो बेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट नहीं होगा ये स्ट्राइक करेगा बेसिकली, अट्रैक्ट तो ये चीज होगी मेटल बार, ठीक है। तो बेल, करंट, एनर्जी सोर्स, बटन, ये सारा इसका सर्किट डिजाइन किया गया है, ठीक है, ताकि इस मैग्नेट को वो क्या कर सके, इलेक्ट्रोमैग्नेट कर सके। अब जैसे जैसे ही आप करंट खत्म करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा अपने इनर्शिया की वजह से, और यूजली जो होता है ना स्प्रिंग अटैच हुआ होता है इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है ना वो फिनोमेना, जैसे ये देखें, ये जैसे अट्रैक्ट किया तो ये ऊपर की तरफ चला गया, और डोर बेल रिंग की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है ना वो ये है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक और एग्जांपल है क्रेन्स, आपने देखी होंगी क्रेन्स जो होती हैं वो भी अट्रैक्ट कर लेती हैं हैवी चीजों को, ठीक है। अ स्विच इज टर्न ऑन इन द क्रेन सो दैट द करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने देखा होगा कि वो आप हैवी चीजें अट्रैक्ट कर रही होती हैं अपने साथ उठा के, वो क्या होता है कि आपने करंट क्या होता है, वो उसका सोलेनाइड होता है, सोलेनाइड जो होता है वो एक हैवी मैग्नेट बन रहा होता है, ठीक है। तो हैवी मैग्नेटिक ने क्या करता है, लिफ्ट करता है, सॉरी लिफ्ट करना है हैवी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो वो क्या करती है, क्रेन जो होती है वो लिफ्ट करती है, आपने देखा होगा कि हैवी हैवी ऑब्जेक्ट्स को उसने जो है ना वो अट्रैक्ट किया होता है अपनी तरफ, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ना वो फिनोमेना के साथ अट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मोशन, हाँ जी, व्हेन अ वायर विद करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड फिनोमेना जो एफएसई में हमने पढ़ा पढ़ा जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इन टू मैकेनिकल एनर्जी। अब आपने क्या किया है, एक मैग्नेट है आपके पास, मैग्नेट एक नॉर्थ और साउथ पोल है, दो आपने बनाए हैं। अब उसमें से आपने करंट कैरिंग वाल्व गुजारा, हम जैसे ही उसमें से गुजारा तो आपको एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, और वो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन होगी या तो वो अप होगा या वो डाउन होगा। द वायर मूव्स व्हेन द करंट इज प्रेजेंट, व्हेन द करंट इज रिवर्स द वायर मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास, ये इसमें बेसिकली लगता है लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, जो जो बेसिकली इंडेक्स फिंगर होती है हमारे पास, वो जो होती है वो करंट की डायरेक्शन को शो करती है, और दूसरी जो फिंगर है हमारे पास वो हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल बेसिकली उनकी जो डायरेक्शन है उसको वो शो करती है, ठीक है। और जो मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, और जो थंब है वो बेसिकली फोर्स को बताएगा कि वो किस फोर्स से वो जो करेक्टर है वो मूव हो जाएगा, ठीक है। तो जब नॉर्थ एंड साउथ पोल है तो आप देखें कि हमारे पास ठीक है, हमारे पास जो मूवमेंट है वो डाउन होगी, और जब नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह जा रहे होंगे तो हमारे पास जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, अप की तरफ होगी, ठीक है। ये डिफरेंट है, तो सॉरी इसमें लेफ्ट हैंड नहीं, इसमें राइट हैंड रूल लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ आप उसमें फील्ड लाइंस को शो करेंगे मिडिल फिंगर से, और जो अपना करंट की डायरेक्शन है वो आप शो करेंगे अपने इंडेक्स फिंगर से, और जो थम होगा वो बेसिकली क्या होगा, आपका फोर्स होगी, ठीक है। तो इस तरह इसकी मोशन होगी हमारे पास। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर्स, बट गैल्वेनोमीटर्स बेसिकली गैल्वेनोमीटर्स इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू
टर्न द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो था उसका वही सेम प्रिंसिपल है कि देखिए ये करंट कैरिंग कॉइल इसमें से आपने पास की है तो वो क्या किया, उसने डायरेक्शन शो किया है, बेसिकली करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा था कि अभी इतना है अभी इतना है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ये इसमें बाउंड किया हुआ था। अब हम जैसे पास करेंगे ना तो वो क्या करेगा, मूव करेगा अकॉर्डिंग टू दैट पोजिशन। तो ये गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक डिवाइस हुआ करती थी यूज टू मेजर द एम्पियर्स। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, ब्रशेस, ये सारे इसका स्ट्रक्चर है और इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है। वो सही वही प्रिंसिपल है कि जब आप करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। ठीक है, तो मोटर भी जो है वो इसी प्रिंसिपल से शो चल रही होती है। इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जी जनाब, इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कनेक्टर व्हेन द कनेक्टर मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ये भी इसमें बात है कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आपने उसको मूव कराना है कनेक्टर को तो उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको कहते हैं। तो ये भी एक हमारे पास फेनोमेना होता है। इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इफ मैग्नेटिक मूव्स थ्रू अ कॉइल करंट इज इंड्यूस्ड इन द वायर। वही बात है कि आपने या तो आप कनेक्टर को मूव कर लिया, मैग्नेट को मूव कर लिया, तो ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें जो है वो करंट इंड्यूस होगा। व्हाट इज जनरेटर, जनरेटर में वोल्ट प्रिंसिपल होगा, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड देनी है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीजें जो इनका आर्मेचर्स क्या होते हैं, स्लिप रिंग्स क्या होते हैं, करें कंस्ट्रक्शन, ये आपने सारी एम्फेसिस में पढ़ी है ऑडियो। ठीक है जी, इन मोस्ट जनरेटर्स आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टर्न्स हाइट हाई ह्यूज टर्बाइन सच एज दिस वन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपने टर्बाइन लगाई हुई होती है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपने सर्किट बनाया हुआ होता है। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल होती है, ऐसे मूव करेगा तो करंट कैरिंग कॉइल इसमें जब आप अपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रोटेट करेंगे तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा जो कि हमारे पास सोर्स ऑफ करंट होता है, सोर्स ऑफ वोल्टेज होता है। ठीक है, द टर्बाइन इज अटैच्ड टू द आर्मेचर जनरेटर व्हिच प्रोड्यूसेस द करंट। टर्बाइन्स डैम्स जो होते हैं बेसिकली वैसे ही चल रहे होते हैं, यहाँ से जो है आपका वाटर का फ्लो होगा, इसने मूव कराया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको मूव कराया तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ओके जी, बट इस ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इज डिवाइस दैट इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। अब जैसे ही आपने ये जनरेटर्स के थ्रू आपने करंट प्रोड्यूस किया, अब आपके पास हाई वोल्टेज होते हैं यूजली, बिकॉज इट इज रिक्वायरमेंट कि आप उसको हाई वोल्टेज के साथ पास करें। ठीक है, लेस एनर्जी उसमें जो होती है ना वो होती है, वेस्टेज होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उसको मूव करेंगे और इसके अंदर जो है एट द एंड यूजर हम फिर ट्रांसफार्मर्स यूज कर रहे होंगे। ट्रांसफार्मर इज डिवाइस दैट इंक्रीज डिक्रीज द वोल्टेज, इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक इसमें आयरन कोर होती है, ठीक है, और साथ आपने वाइंड किया होता है किसको, एक तरफ से प्राइमरी कॉइल होता है, दूसरी तरफ से सेकेंडरी कॉइल होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो है वो एक दूसरे के अंदर जो उसकी करंट की इंडक्शन होती है। ठीक है, वोल्टेज कैन बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लूप्स इन द प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज करता है, सेकेंडरी कॉइल हैज मोर लूप देन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, इस केस में सेकेंडरी लूप ज्यादा होगा, अगर तो आपने डाउन करना है तो प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होंगी और सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न्स होंगी। इस तरह से अगर जहाँ पे कम टर्न्स होती है वहाँ पे वो जो आपकी वोल्टेज जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म और इससे रिलेटेड जो है ना ओवरव्यू था सारा। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, नेट से देख लीजिएगा और बुक से डिस्कस कर लीजिएगा, उसके जो है ना देख लीजिएगा मेन चीज़ें। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई एक्चुअली ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, बाकी एफएससी में हमने सारी चीजें बीच में पढ़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना हमारा वो है हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, आज दो आज छोटे-छोटे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जल्दी-जल्दी। व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर बेसिकली, ये आप लोगों ने देखी होंगी चीजें जी, बहुत ज्यादा कैपेसिटर्स यूज करते हैं, माइक्रोप्रोसेसर यूज करते हैं, एलईडीज यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है। व्हाट इज सेमीकंडक्टर मटेरियल,
सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है कि जिसमें टेंडेंसी होती है बहुत कंडक्शन और इंसुलेशन, ठीक है, वो मिड वे होते हैं बेसिकली ना। तो आपने जब उसको एज अ कंडक्शन के लिए यूज करा, वो कंडक्शन के लिए यूज होगा, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर्स आर यूज फॉर द डिजिटल वर्कआउट, ठीक है। और इसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, अगर आजकल माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं वो एवोल्यूशन प्रोड्यूस कर चुके हैं और उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है और उसके मुताबिक आप उसमें काम लेते हैं, ठीक है। जितना आप अभी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, ये तो एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि आपको आपका लॉजिक डेवलप करने के लिए, ताकि आप जो लॉजिक्स जो है वो डेवलप कर सकें। इसके बाद आगे बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, जिसके अंदर आपके पास असेंबली लैंग्वेज आती है जो कि माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है। तो उसके अलावा मैटलैब प्रोग्रामिंग है, उसके अलावा देयर आर टू मैनी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ठीक है। सी विजुअल सी है बेसिकली, तो इस तरह के हमारे पास चीज़ें जो है वो प्रोग्रामिंग टेक्निक जो होती हैं वो कल भी होती हैं। लेकिन बात यह है कि ये मटीरियल्स जो होते हैं, मटीरियल जो होता है कनेक्शन के लिए, वो सेमीकंडक्टर मटीरियल होता है, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखा जाए तो जी हमारे पास सिलिकॉन जो होता है ना, और बेसिकली मेटलॉइड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको कहते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म सेमीकंडक्टर मटीरियल्स। बेसिकली होता क्या है कि देखो, जो कंडक्टर्स होते हैं, प्योर कंडक्टर्स होते हैं, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो कम होते हैं, जो लॉस करने के लिए या गेन करने के लिए, ठीक है। तो वो जो होते हैं ना, जिस तरह हमारे पास शुरू के 1, 2, 3, 4 मेटल्स होते हैं, एंड पे हमारे पास मेटल्स होते हैं, तो दे कैन इजीली लाइक लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स। बट जिसमें आपके पास एक आउटर मोस्ट शेल जो है, इट हैव अ लॉन्ग, इट हैज अ ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि एज सच पास नहीं कर सकते, गेन नहीं कर सकते, जिनका हाफ शेल हुआ हुआ होता है, यानी कि 8 या 4 हुए हुए होते हैं, तो वो दैट मेंबर्स बेसिकली दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टिवली, दोनों आपस में कलेक्टिवली ऐड या करके ना, तो वो हमारे पास एक तरह का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जो कि हमारे पास बहुत टेंडेंसी है उनकी टू लूज और टू कंडक्ट और इंसुलेट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये इसमें टेंडेंसी होती है सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। दे बहुत यूजफुल है सेमीकंडक्टर, आजकल हर दौर में चल रही है, और ड्यू टू इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी वर्सेटाइल हैं, तो इसलिए इनको यूज किया जाता है। रेंज ऑफ कंडक्टिवनेस, जी जनाब, ये क्या है जी, ये हमारे पास कंडक्टिवनेस है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, ये इंसुलेटर्स होते हैं यहाँ शुरू से, ये डायमंड ग्लास और मेटल्स जो होते हैं, ये हमारे पास इतनी इनकी टेंडेंसी होती है ऑफ कनेक्टेडनेस। लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन है, नियरली अबाउट 10^10 लाइक इट्स -6 और समहाउ, ठीक है। और इस जगह तक 10^2 तक कनेक्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर की होती है, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम मेजरली हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सेमीकंडक्टर फॉल समवेयर मिडवे बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, द पॉइंट इज ये कि बीच में है कहीं, ठीक है। तो इनकी टेंडेंसी है टू बोथ कनेक्ट करते हैं और इंसुलेट भी करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं तो प्योर कनेक्ट करेंगे ना, उनकी तो अभी और ऑप्शन ही नहीं है, इंसुलेशन तो नहीं है, ठीक है। इसीलिए इंसुलेटर्स जो होते हैं वो कनेक्ट ही नहीं करते, लेकिन सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी बहुत टेंडेंसी होती है कि वो दोनों तरफ अपना मूवमेंट ले सकते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन, जी जनाब, अब इसमें यह क्या है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो कंडक्ट, पहले तो सिंपली कंडक्टर्स की देखते हैं ना कि भाई ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है। एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक एनर्जी इन दोनों के बीच में होती है, वो मूवमेंट के लिए होती है, ठीक है। तो बैंड गैप जिसको कहते हैं, ठीक है, समझाने के लिए बेसिकली, तो एक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जब कुछ भी मूव करेगा तो एनर्जी जो होती है वो बेसिकली उसको रिक्वायर्ड होती है, या वो समहाउ बाहर भी निकाल देता है। तो ये दो हमारे पास जो है ना बैंड हैं, वैलेंस बैंड। हमारे पास द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड, ठीक है, इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रिमेन बाउंड टू एटम्स इन दिस बैंड, ठीक है, इसमें होते हैं ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि इसमें से फिर आगे मूव करना होता है, वैलेंस कह लें, आउटर मोस्ट शेल कह लें, ठीक है। तो क्या करते हैं, मूव करते हैं कनेक्शन बैंड की तरफ, ठीक है, बेसिकली लूज और गेन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होती है। द कनेक्शन बैंड इज बैंड ऑफ ऑर्बिटल्स दैट आर हाई इन एनर्जी एंड आर जनरली एम्प्टी,
तो उसमें वो जाएंगे बेसिकली ना, वहां पे इट इज द बैंड दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स और इसके इधर से लूज होके तो वहां पे वो गेन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी का प्रिंसिपल है। जैसा एक कंडक्शन बैंड है, देखिए एनर्जी गैप वैलेंस बैंड के बीच में, देखिए ये एनर्जी गैप जो होता है ये बेसिकली जब कंडक्टर्स होंगे ना तो इसमें नहीं होगा, ठीक है, तो फॉरन शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, जब लेकिन इंसुलेटर्स में होगा यही एनर्जी बैंड गैप जो होगा ना बहुत बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि वो मूव ही नहीं कर सकेगा, उसको एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब उसको 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 फोर्स्ड करेंगे कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करें, तो इंसुलेटर्स में बहुत बड़ा होता है और कनेक्शन में तो होता ही नहीं है, इसमें सॉरी कनेक्टर्स में तो ये होता ही नहीं है, तो फॉरन वो शिफ्ट कर जाता है थोड़ी सी एनर्जी के साथ। ठीक है, तो लेकिन जो जो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें इन दोनों का मीडियम होता है, ठीक है, ना वो और लेकिन इसका एनर्जी गैप होता है रीजनेबली स्मॉल ही होता है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ी सी एनर्जी के साथ वो मूव कर जाते हैं। द लीप रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये जिस तरह ये है मेरे पास, अगर उसने वो एक्सप्लेन करेगा अभी देखें, ये वैलेंस बैंड उसने बना दिया, अच्छा मैं बहुत जबरदस्त किस्म के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये कनेक्शन बैंड होगा हमारे पास, और ये जो होगा ना एनर्जी गैप, ये बैंड गैप कहते हैं, एनर्जी गैप कहने जो भी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको वो पास करके यहाँ से यहाँ मूव करना है, ठीक है। कंडक्टर्स क्या है जी, देखिए जी कंडक्टर्स हमारे पास, इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली अमंग दीज ऑर्बिटल्स विद इन एनर्जी बैंड एज लॉन्ग एज द ऑर्बिटल्स आर नॉट कंप्लीटली ऑक्युपाइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं जी, और अभी उसमें वैलेंस में मूव कर रहे हैं, फिर ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द वैलेंस टू कंडक्शन बैंड की तरफ, तो फिर जो होगा तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाएगा। इस तरह ये हमारे पास, ठीक है, इन कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड इज एम्प्टी। ठीक है ना, वैलेंस बैंड जो है ना इसमें हमारे पास एम्प्टी है, और ये बैंड गैप इसलिए एम्प्टी एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि ये मूव कर जाएगा कनेक्शन बैंड की तरफ। ठीक है, लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिस तरह ये है हमारे पास, देखें इसमें कोई गैप नहीं है ना बीच में, देखें कोई गैप नहीं है, फॉरन मूव कर जाएंगे कनेक्टर्स ओवरलैप, जैसे ये असल में ऑर्बिटल्स की कहानी है, 3p3 ऐसा आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 में एफएसई में, अगर एनर्जी गैप इज नॉन एग्जिस्टेंट और रिलेटिव स्मॉल, इसमें होता ही नहीं है, ये मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक गैप से वैलेंस से कनेक्शन बैंड की तरफ। इंसुलेटर्स में बहुत जी ये एनर्जी गैप जो होता है ना फुल वो बेसिकली ना बहुत ज्यादा होता है, मूव ही नहीं कर सकते वो, ठीक है, तो उसी में ही वैलेंस वैलेंस बैंड में ही पड़े रहते हैं, ठीक है, इसी में ही पड़े रहते हैं वो। ठीक है, तो ये देखिए एनर्जी गैप इंसुलेटर का बहुत बड़ा होता है, एनर्जी गैप इज क्वाड्रेटिकली भी लार्ज। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि द वैलेंस बैंड इज फुल बट एनर्जी गैप इज इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट है गैप ना, ठीक है, तो यहां से वहां तक मूव कर जाएंगे। इसमें बेसिकली जो होता है ना वो होल्स प्रोड्यूस होते हैं, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी, अभी डिस्कस करना क्या है एनर्जी गैप जो होता है, ये क्या होता है इसमें विज बहुत स्मॉल होता है, रिलेटिवली स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर्स, ठीक है, तो मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन, इंसुलेटर्स में ज्यादा बड़ा गैप होता है, इसमें थोड़ा कम, इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन अरेंजमेंट क्या जी, आपको पता ही होगा इसके आउटर और शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो ये शेयरिंग करके तो वो अपना काम चलाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, ठीक है, ये किस तरह आपस में दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देयर इज फाइनाइट पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन इन द लेटेस्ट विल बी नॉक्ड लूज फ्रॉम दिस पोजीशन। ठीक है, तो वो कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा सा कहेंगे तो वो बेसिकली शेयरिंग कैपेबिलिटीज में आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें एनर्जी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी ना, ये हमारे पास उसका और है। अब ये क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होंगे उसको होल्स कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन द लेटेस्ट नॉक फ्रॉम द लेटेस्ट पोजीशन लीव्स बिहाइंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कॉल्ड अ होल। ठीक है, उस एटम में डेफिशिएंसी हो जाएगी बेसिकली, तो वो क्या कहेगा कहलाएगा होल कहलाता है, होल्स ही बेसिकली मूव करते हैं। इफ अ वोल्टेज इज अप्लाइड देन बोथ इलेक्ट्रॉन्स इन द होल कैन कंट्रीब्यूट टू अ स्मॉल करंट फ्लो। ठीक है, तो ये आपस में ही जो है ना मूव करना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारे पास फ्लो बन जाता है, करंट का फ्लो हो जाता है, इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो इम्प्योरिटीज डिप्लीशन रीजन जो होता है उसमें एक इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। ठीक है, डोपिंग क्या है जी, डोपिंग ऐड इन इम्प्योरिटी एग्जैक्टली, ठीक है, उसको डोपिंग भी कहते हैं। कैन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट एडेड। ठीक
ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि डोपिंग करते हैं आप इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इट्स अ फिनोमेना, ये जिस तरह से देखें इन अब पी टाइप डोपिंग में क्या करते हैं, बोरोन और गैलियम को डोपेंट रख देते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास यूजली हम ये यूज करते हैं, वरना और भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रायोरिटी टेबल है, ये हमारे पास पी टाइप डोपिंग जो होगी उसमें हमारे पास हैव ओनली थ्री आउटर इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन मिक्स्ड इनटू अ सिलिकॉन लैटिस दे फॉर्म होल्स इन द लैटिस वेयर अ सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन हैज नथिंग टू बॉन्ड टू, ठीक है ना। तो ये आपस में पी टाइप डोपिंग इंप्योरिटी ऐड करके तो हम बना लेते हैं। तो द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैज द नेम पी टाइप, ठीक है। होल्स कनेक्ट करंट अ होल हैपिली एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबर मूविंग द होल ओवर अ पीस। पी पी बेसिकली इज उसको पॉजिटिव पॉजिटिव से निकला, तो वो कहता है कि इसमें होल्स क्रिएट होते हैं पी टाइप डोपिंग, ठीक है। पी डोपिंग इज अ गुड पी टाइप सिलिकॉन इज अ गुड कनेक्टर, इसमें इसका एन टाइप फास्फोरस और आसानी यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये डोनर है बेसिकली, डोनर है बेसिकली, और ये एक्सेप्ट करता है बेसिकली, सॉरी ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। फास्फोरस द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंड नथिंग टू डू बाउंड, सो इट्स फ्री टू मूव। फास्फोरस एंड आर्सेनिक ईच हैव फाइव आउटर इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर आउट ऑफ प्लेस, दे गेट इनटू द सिलिकॉन लैटिस, बेसिकली क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए नेगेटिव से निकला है, तो उसको इजीली याद करने का तरीका है, सही है। तो इफ इट टेक्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटी टू क्रिएट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसमें क्या है कि देखें ये एन टाइप और पी टाइप आपने बना दिए हैं, पी यहाँ से मूव करके इसकी तरफ एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे, तो ये जो होता है हमारे पास एक डेफिनेशन भी जुड़ा होता है, वी क्रिएट अ पीएन जंक्शन बाय जॉइनिंग टुगेदर टू पीसेस ऑफ सेमीकंडक्टर वन डोप्ड एन टाइप एंड द रेस पी टाइप। ये इसकी जो थी ना वो इक्वेशन होती है कि पहले वो हल्का सा कनेक्ट करना शुरू करता है, फिर वो एकदम से कनेक्ट करना शुरू कर देता है, डिप्लेशन रीजन बेसिकली खत्म हो जाता है, ठीक है, नैरो डाउन हो जाता है बहुत ज्यादा, दूसरे लफ्जों में कहना चाहिए। तो ये हमारा पीएन जंक्शन बना हुआ है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इधर इधर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इधर होल्स आ जाएंगे। इन पी टाइप रीजन देयर आर होल्स फ्रॉम द एक्सेप्टर इंपोरिटीज, एंड इन दैट एन टाइप रीजन देयर आर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ बेसिकली आ जाएंगे। तो ये वो भी बताया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन और होल नेगेटिव चार्ज और इधर से इस तरह बना, तो ये दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और मूव करेंगे तो डिप्लीशन रीजन जो बेसिकली कम हो जाएगा और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यही है जी इसमें कहानी, और ये बस उसमें ये बताया है कि जब मूव करेगा तो लेवल्स क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें ये है। अच्छा अब एक है चीज हमारे पास एप्लीकेशन होता है इसका, डायोड, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस में ये होता है कि आप पॉजिटिव को पॉजिटिव लगा देते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव लगा देते हैं, तो ये बेसिकली फॉरवर्ड बायस हो जाता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में आपके पास जो है ना वो उल्ट हो जाता है, बेसिकली आप इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, इधर पॉजिटिव कर देंगे इधर नेगेटिव कर देंगे, तो रिवर्स पास हो जाएगा, कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा पी टाइप और एन टाइप है, डायोड बेसिकली ये फिनोमेना है, अ डायोड इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। और उसके अंदर आप ये देखें अभी बैटरी आपने लगाई हुई, नो करंट फ्लो द प्रोसेस जंक्शन अनलेस एंड अंटिल, ये भी ये रिवर्स बायस में बना हुआ है, ठीक है, देखें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव करेंगे, तो फिर इसमें जो होगा ना वो करंट मूव करेगा, ठीक है जी। वन वे ऑफ इलेक्ट्रिक जिस तरह डायोड अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन बट नॉट द अदर, ठीक है। तो डायोड जो होता है वो एक तरफ से करता है, और जो जीनर होते हैं वो दोनों तरफ से कनेक्ट करते हैं, जीनर डायोड होता है, जीनर डायोड इज अ टाइप, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग, ये रिवर्स बायसिंग होगी, the application of reverse bias to the PN junction will cause the transistor to look as both electrons are pulled away from the circuit, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह बनाया। When forward bias is a small amount of voltage necessary to get the diode going, in silicon this voltage is about 0.7 volts, ठीक है। ये इस तरह ही हमारे पास करंट होता है, उसके बाद एकदम से शूट होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। एक और एप्लीकेशन है जी सेमीकंडक्टर की, वो है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये बेसिकली होता है एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है ना। आपके पास करंट है, आपने उसको एम्पलीफाई करना है, तो वो इसके लिए यूज होगा। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एमिटर होता है, कलेक्टर होता है, बेस होती है, ठीक है। ये एमिटर है, बेस है, कलेक्टर है, तो
है, और इसमें थ्री डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इसमें जिसमें एनपीएन या पीएनपी नाम अक्सर आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये इसमें जो है ना डोप्ड किया जाता है इस तरह से, तो ये इसका सिंबल है और ये वाला इसका सिंबल है, एंड टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस, अगर पी अगर पी धेंडर होगा तो ये बाहर की तरफ यानी कि लूज धेंडर होगा, ठीक है। ये इसको बेसिकली समझाने के लिए चीजें, ठीक है। ये हमारा ऊपर कलेक्टर होगा, ये एमिटर होगा, तो इस तरीके से इसको देखा जाता है। व्हेन डिस्कसिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर एन टाइप एमिटर मटेरियल ऑन वन साइड ऑफ द वेफर इज डेजिग्नेटेड एन एमिटर एंड इट इज मोस्ट ऑफन कनेक्टेड टू अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो पी एन पी और एन पी एन इसमें कम्बिनेशन लगाए जाते हैं, वो उसमें असल में गेंस का होता है, गेन को और इसकी डायरेक्शन को रिवर्स वगैरह करने के लिए जो है ना, वो आपने इस तरह की चीजें यूज करते हैं। ये डिटेल है, डिटेल आपको आगे जो है ना मजीद इलेक्ट्रिक सर्किट्स में और जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस है, कलेक्टर एमिटर है, द पी टाइप मटेरियल इज द बेस एंड टाइप ऑन द अदर साइड इज कॉल्ड द कलेक्टर। एडवांटेजेस क्या है जी, हाईली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिजल्ट इन अ लो पर यूनिट कॉस्ट, एक्सट्रीमली लॉन्ग लाइफ, हाई रिलायबिलिटी एंड ग्रेटर फिजिकल रिजल्टेंस। आपने जहां भी एम्पलीफाई करना होता है ना, ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं दे प्रोड्यूसेस द इफेक्ट, ठीक है। ओके, व्हाट इज रेक्टिफायर, इज ये भी, ये डायोड की बेसिकली एक एप्लीकेशन है, ये भी सेमी कंडक्टर मटेरियल ही है बेसिकली। रेक्टिफायर्स होते हैं बेसिकली, ये कन्वर्जन करते हैं ना आपके डीसी में, ठीक है। वो आपने देखा होगा कि जब जो एसी होता है उसके पॉजिटिव साइकिल होता है, नेगेटिव साइकिल होता है, तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव साइकिल खत्म करेगा, पॉजिटिव में ही एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये बेसिकली डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसलिए इस लिहाज से सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जो है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ व्हेन व्हेन दे व्हेन आपने अपने डिफरेंट यूज करना है, अपने अपने ट्रिगर करना है अपने सर्किट्स को, अपने 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 मुताबिक जो है ना इनपुट्स लेनी है, आउटपुट्स लेनी है, तो ये जो है सेमी कंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं दे आर वेरी 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 यूजफुल, ठीक है। तो अब टिल यहाँ तक आप जो है ना इसकी थ्योरी जो है ना वो डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत जो है ना, हमने इसको यहाँ पे देख लिया जितना भी हो सकता था, ठीक है। तो अब फर्दर जो है ना, हम अब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन जो है वो क्लोज हो चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट से हमने ऑसिलेशंस डिस्कस करनी है, उसके बाद हमने ऑप्टिक्स डिस्कस करनी है, तो हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं फिजिक्स में, तो इंशाल्लाह इन दो चीज़ों को डिस्कस करके तो फिर हम अपना वाइंड अप कर देंगे। ओके, अब हम इसको क्लोज करें लेक्चर को, ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।